प्रभु राम को मानते हैं और हर हिंदू को उनके बताए गए पथ को जरूर चलना चाहिए। आज के युवाओं को पता चल चुका है कि भगवान के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भगवान राम ही हमारे सवार है। जय राम, जय श्री राम। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि आज रामनवमी है और रामनवमी के अवसर पर किस तरीके से पूरे पटना को सजा दिया गया है ये तो आपने देखा ही होगा। बता दें कि इस वक्त हम पटना जंक्शन पर हैं, पटना जंक्शन के महावीर मंदिर में मौजूद है, जहां भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ी पड़ी है। लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं अंदर दर्शन के लिए, लेकिन अब तक नहीं हुए हैं। कुछ का कहना है कि वो 10 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है वो 12 घंटे से इंतज़ार। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि रात से ही लोग लाइन में खड़े हैं ताकि जब पट खुले तो अंदर जाकर दर्शन कर सके। हमने एक तस्वीर तो आपको दिखा दी, अब हम अंदर चलेंगे और भगवान के पास से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो उनकी भक्ति में मग्न हैं और हर तरफ एक ही नारा और एक ही नाम गूंज रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। मंदिर के अंदर मौजूद है, आपको बता दें कि मंदिर आ गए हैं और आइए लोगों से जानते हैं कितनी मुश्किल के बाद, कितनी मशक्कत करने के बाद उनको अंदर आने का मौका मिला है और भगवान के दर्शन करने का मौका मिला है। आइए आज लोगों से जानते हैं। कितनी देर के बाद यहाँ खड़े रहना है? आधा घंटा इंतजार के बाद अंदर आएंगे। हाँ। क्या मांगेंगी भगवान? मांगेंगे जो मेरे मन से। कितनी देर के बाद यहाँ पहुँचे? अभी 20-25 मिनट लग गया, फिर इंतजार करना पड़ा। हाँ। लगभग आधा एक घंटा के बाद आएंगे। क्या मांगेंगे भगवान? अच्छा सुविधा है, भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश हो। कितनी देर के बाद यहाँ पहुँची है? दर्शन के करीब तब आ जाते हैं। ग्यारह घंटा
कितनी देर के बाद? 10 घंटा 5 मिनट। 10 घंटा 5 मिनट टाइम गिना था आपने? कितने देर के बाद दर्शन करने का मौका मिला? बहुत लेट हुआ। भगवान श्री राम से इतना ज्यादा प्यार? बस एक हिंदुत्व की बात है और बस राम जी को मानते हैं, भगवान प्रभु राम को मानते हैं और हर हिंदू को उनके बताए गए पथ को जरूर चलना चाहिए। जय श्री राम। देखिए बहुत मनोकामना पूरा होता है और यहाँ बाबा जमीन आशीर्वाद देते हैं तो कष्ट का महत्व तो ही अच्छा आशीर्वाद होता है। बहुत मनोकामना हो रहा था और दुख आ रहा है, दुख खत्म हो रहा है। मनोकामना बजरंग बली बहुत कर होता है और पूरा अच्छा से कर होता है बजरंग बली और इनका कृपा से महावीर का नाम प्यार का नंबर वन पटना जंक्शन का वन है और रहेगा और पूरे प्यार में भारत का नहीं प्यार कर रहेगा और रहेगा। ऐसे ही प्यार करते हैं और करते रहेगा और करते रहेगा और जिस मौका अपने बहुत अच्छा से प्यार होता है। दर्शन हो गए? कितनी देर के बाद मौका मिला? सुबह 2 बजे आए हुए थे। भगवान श्री राम से इतना ज्यादा प्यार आज के युवाओं में क्यों? आज के युवाओं का पता चल चुका है कि भगवान के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए भगवान राम ही हमारे सवार है। भगवान ही हमारी, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आगे बढ़ना है तो भगवान का साथ पकड़ के चलना पड़ेगा। भगवान श्री राम को बहुत मानते हैं। हाँ बहुत अच्छा करते हैं भगवान, भगवान बहुत अच्छा भगवान। हम उनके ही वंशज है तो हमको उनका मानना ही पड़ेगा। उनके बिना कोई नहीं। अच्छा कब से खड़े थे लाइन में? सुबह 2 बजे आए हुए थे। भगवान भगवान से बस अपने लिए और सुख शांति। बस हर तरफ गूंज रहा एक ही नारा, एक ही नारा जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं महावीर मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग इंतजार कर करके भगवान के दर्शन करने के लोगों को मौका मिला है। हर तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग पूरी भक्ति के साथ भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें भगवान के जो है वो दर्शन करने का मौका मिला है। बता दूं कि इस बार महावीर मंदिर में बहुत कुछ इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन की मदद से जो फूल है वो भी उड़ाया जाएगा। कर रहे हैं हर तरफ भक्ति से, जो पूरा महावीर मंदिर है वो गूंज चुका है। कुणाल किशोर जो है वो भी यहाँ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो महावीर जी की, भगवान श्री राम की, हनुमान जी की जो है यहाँ पे काफी भव्य तरीके से पूजा कराई जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुणाल किशोर जो है वो भी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कुणाल किशोर है वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। Ram Chandram